हर एक घंटे में 14 लोग अपनी जान ले रहे हैं। ये बात ज्यादा लोग नहीं जानते। एक इंसान अपनी जिंदगी से कितना हताश हो जाता है कि वो अपनी जान ले लेता है। कभी कभी छोटे छोटे मुद्दों पर भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कोई एग्जाम में फेल हो जाता है तो कोई प्यार में धोखा खाकर अपने आप को फांसी लगा लेता है। किसी को नहीं पता कि वो किस वजह से इतने सीरियस हो सकते हैं। जो भी हो, हमारी टेम्पररी प्रॉब्लम के लिए परमानेंट सोल्यूशन जो हम लेते हैं वो है सुसाइड। ऐसी ही कहानी पर आधारित है ये लव स्टोरी। अभी तक एमएमएस नहीं मिला है। मैं पहले ही भेज चुका हूं, तुम्हारा भेज मुझे अभी तक नहीं मिला है। क्या रे बिल्डर, पैसा कहाँ है मेरा? बॉस ने पैसे देने से मना कर दिया। कितनी बार बोलना पड़ेगा? कहाँ है वो? अपने बॉस को फोन लगा। ठीक है, मैं बॉस को फोन करता हूँ और आपको बताता हूँ। कितनी बार बोलना पड़ेगा, मुझे मेरे पैसे चाहिए। क्या हुआ भाई? तुम्हें कोई मारना चाहता है। कौन है वो? कोई स्नाइपर है। स्नाइपर है? क्या मतलब? हट, मुझे कोई नहीं मार सकता। भाई मेरी बात मानो, आसपास चेक कर लो। हाँ, ए सब अच्छी तरह चेक कर क्या? देख कौन है? वहां तो कोई नजर नहीं आ रहा भाई। कौन हो सकता है? चलो चलो चलो।
सॉरी बॉस, देखा नहीं। सॉरी। तुझे दिखाई नहीं देता क्या? हाँ। सॉरी बोला ना यार। चल। ए, तू टकराया या जानबूझकर मारा? गलती से हो गया बॉस। गलती से हो गया, जा यहाँ से। शूज आ कहीं का। हाय डार्लिंग। मैं? यस डार्लिंग, आपका नाम क्या है? अभी। सीरी। हाय। आप यहाँ रहने आए हो? तुम कहोगी तो रह जाऊंगा, वरना चला जाऊंगा। आप तो बहुत प्यारे हो, तो आप रह सकते हो, कोई बात नहीं। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? मैं और मेरे डैडी। और मम्मी? नहीं है, मेरी मम्मी मर गई, मुझे देखने से पहले ही मर गई। हाँ, ये सारी चीजें किचन में रख दो। हाय डैडी, ये मेरे फ्रेंड है अभी। हाय विक्रम। हाय, आप क्या करते हैं सर? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मतलब सर? पुलिस डिपार्टमेंट। और तुम? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ, ये सब हॉल में रख दो। ठीक है भाई, आराम से। मैंने फोटो भेज दिया है। ओके ओके, आ जाओ बेटा। बाय। कॉलर छोड़ो, मेरा कॉलर छोड़ो सर। तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़कियों को छेड़ने की? अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे। दाए। दाए। इसे अरेस्ट क्यों किया? मेरे बेटे को अरेस्ट क्यों किया? तुम्हारे बेटे के खिलाफ कंप्लेंट आई है, लड़कियां छेड़ता ही है। लड़कियों को नहीं छेड़ेगा तो क्या तुझे छेड़ेगा? अगर लड़कियां उसकी बात नहीं मानेंगी तो वो छेड़ेगा ही ना। वो गालियां देगा, मारपीट करेगा, और तो भी नहीं मानी तो उनके मुंह पे एसिड फेंकेगा। चाहे जो भी हो जाए वो लड़कियां लाएगा। तुझे कोई परेशानी है? मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता और तुम मेरे बारे में नहीं जानते। बेहतर होगा यहाँ से निकल। तू है कौन मुझे जानना भी नहीं? मेरे बेटे को बाहर निकाल। बाहर जाते हो या नहीं? नहीं जाऊंगा तो क्या कर लेगा? बाहर निकलता या नहीं? बहरा है क्या, सुनाई नहीं देता? उसे मत मार। मैं कह रहा हूँ उसे मत मार। उसे छोड़ दे, मैं तेरी जान ले लूंगा वरना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? जब तक तू यहाँ से निकल नहीं जाता। हाँ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जाना। ए, उसे छोड़ दे, मैं तेरा हाथ कटवा दूंगा। वो अपनी मौत से टक्कर ले रहा, मैं बता रहा हूँ। जा एसिड की बोतल लेकर आ। मैं कह रहा हूँ उसे छोड़ दे, मत मार उसे। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े बना दूंगा, मैं तुझे जान से मरवा दूंगा। छोड़ उसे। अपना मुंह बंद करो, निकल यहाँ से। अगर एक सेकंड भी यहाँ रुका तू तो अपने बेटे की शक्ल एसिड से बर्बाद होते देखेगा। निकलता या नहीं? ए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने अपनी मौत बुलवाई है। चलो भाई यहाँ से, चलिए चलिए अभी। माफ करेंगे, चलिए चलिए। या या, इट्स कंफर्म, आई एम कमिंग टू लंदन नेक्स्ट वीक। ऑलराइट। One cappuccino. Big or small? Small. And double apple hookah. कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। ये तुम अपने पैरों पर क्यों कर रही हो? लोग देख रहे हैं। अरे
प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, यहाँ नहीं यहाँ नहीं, बाहर चलते हैं। अरे यहाँ नहीं यहाँ नहीं, बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं प्लीज, बाहर चलते हैं प्लीज प्लीज। वन टू, अरे बाप रे, सिरी एक्सरसाइज कर रही हो? गुड, थैंक यू। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अच्छे से सोचना और फिर जवाब देना, ओके? पूछो। हाथी और मच्छर में क्या फर्क है? इतना इजी सवाल, मच्छर हाथी पे बैठ सकता है पर हाथी मच्छर पे नहीं बैठ सकता। मुझे नहीं पता था तुम इतनी स्मार्ट हो। ऐसे सवाल छोटे बच्चों से पूछिए, मुझसे नहीं। तुम तो स्कूल भी नहीं जाती, तुम्हें ये सब कैसे पता? पैदाइशी स्मार्ट हूँ। एक काम करते हैं, तुम मुझसे सवाल करो, मैं जवाब देता हूँ। ये सब जरूरी है क्या? चुपचाप नहीं बैठ सकते? चुपचाप नहीं बैठ सकते, शैतान बताता हूँ। सिरी। हाँ दादी। सिरी, तुम्हें पता है टाइम क्या हुआ? टैबलेट लेनी थी ना तुम्हें, चलो जाओ लो। सॉरी दादी। रोज याद दिलाना पड़ता है। सॉरी दादी। कैसी टैबलेट सर? एसटीओ सरकोमा। मतलब? कैंसर, पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए इसे स्कूल नहीं भेजता। इसकी मां जन्म देते ही मर गई और मेरे काम की वजह से मैं इसके साथ दिन भर नहीं रह पाता। तुम्हारे साथ इसे खेलते देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। क्या वो ये सब जानती है? पता है, वो बॉर्न फाइटर है, तभी तो हंसते खेलते जी रही है। अगर रोती रहती तो मैं कब का मर चुका होता। ऊपर से वो खुद मुझे हिम्मत रखने को कहती है। मेरे खिलाफ तूने पुलिस कंप्लेंट करवाई? मैंने नहीं करवाई। तूने नहीं करवाई तो और कौन करेगा? तुझे क्या लगा कि मैं जेल से बाहर नहीं आऊंगा, चक्की पीसता रहूंगा अंदर? अरे पुलिस मेरा क्या उखाड़ लेगी? आज अगर मिशन पर नहीं होता तो तेरे हाथ पैर यहीं तोड़ देता। यहाँ भरी भीड़ में मैं तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, बोल करूँ? चुपचाप मेरे साथ गाड़ी में चल वरना मार दूंगा तुझे। अरे चल। अरे क्या भाग रही है तू, चल मेरे साथ अंदर चल। ये हुई ना बात, बम पर ऑफर हाथ लग गया। Thank you.
योर कैपुचिनो. थैंक यू सर. बिल सर, एनी ऑर्डर? कैन आई हैव अ कोल्ड कॉफी प्लीज? यस सर. दैट्स इट. Thank you. मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं कोई चोर. नो नो, नथिंग लाइक दैट. आपको कहीं देखा है, ऐसा लग रहा है. और कहाँ देखा होगा, मैं यहाँ रोज आता हूँ. आपका डेली कस्टमर भूल गए क्या? ओह, सॉरी. आपको हमारे साथ थाने चलना होगा. पर क्यों सर? इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया. मैंने क्या किया है? कभी कभी बिना कुछ किए भी आना पड़ता है मैडम. चलिए. तुम वहीं थी ना जब उसका खून हुआ? जी सर. तुम उसके साथ क्यों गई थी वहां? मैं उसके साथ नहीं थी सर, वो लड़का मुझे छेड़ रहा था. कब से छेड़ रहा था वो तुम्हें? पिछले 2 महीनों से. बहुत सारी लड़कियों ने उसकी कंप्लेन की, तुमने क्यों नहीं करवाई? नहीं करवाई सर. क्यों नहीं करवाई यही मैंने पूछा. उसकी कंप्लेन तो नहीं की, लेकिन उसकी सुपारी दी और उसे मरवा दिया. नो सर, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ. मुझे लगता है तुमने उसे मरवाया. प्लीज सर, मुझ पर इल्जाम मत लगाइए प्लीज. खूनी को पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकती सर. और उसकी आंखें? मास्क पहनने के बाद आंखें एक जैसी लगती हैं. सब एक जैसे कैसे हो सकती हैं? रोज तुम्हें यहाँ आकर साइन करनी होगी. देखता हूँ कैसे नहीं पहचान पाती. प्लीज सर, मुझे सब में इन्वॉल्व मत कीजिए. रोज यहाँ आकर इस रजिस्टर पे साइन करना. सर प्लीज. यू मे गो. सर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी प्लीज सर. Can I forget you, hot hunk? तुम कहाँ जा रही हो? अबू धाबी. रात को फ्री हो क्या? आज रात तो मैं बिजी हूँ. मेरी एक इंटरनेशनल मीटिंग है आज. इंटरनेशनल मीटिंग या इंटरनेशनल मीटिंग? इंटरनेशनल मीटिंग बॉस, नॉट मीटिंग. तो फिर हम कब मिल सकते हैं? मैं आपको कॉल करूंगी तो चलेगा? अपना बिजनेस कार्ड दीजिए. ओह या श्योर. यस. This is my card. But one thing. क्या? You were snoring. कराटे नहीं मारोगे तो ही मैं आऊंगी. उस रात को सोने ही कौन वाला है? Perfect. Okay. सुनो, ये वाली सीट खाली है. Okay. मेरे पास आराम से बैठ जाओ. इंटरनेट यूज करते हो क्या? जी सर. इंटरनेट पे यूट्यूब देखते हो क्या? देखता हूँ सर.
यूट्यूब पर एक अकाउंट है, अकाउंट का नाम है इट्स माई लाइफ बॉस। अकाउंट खोलकर देखोगे तो बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए गए हैं। पता है पहला वीडियो क्या है? अगर आप अपनी लाइफ से परेशान और सुसाइड करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें, हम उसका वीडियो शूट करेंगे। व्हाट? जब से उसने ये अकाउंट खोला है बहुत से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, फिर कॉन्टेक्ट किया है। उसने तो कुछ सुसाइड वीडियो भी शूट किए हैं रिसेंटली। जिन्होंने सुसाइड किया उनके कुछ वीडियोज इस अकाउंट पर हैं। विश्वास नहीं हो रहा सर। इट इज इलीगल। आत्महत्या करना एक क्राइम है और उसका वीडियो बनाना उससे भी बड़ा क्राइम। जल्दी से जल्दी इस आदमी को ढूंढो और फौरन अरेस्ट करो। ओके सर। हे डार्लिंग, सी दिस। ये क्या? दिस इज वेनिस। मरने से पहले मुझे यहाँ जाना है। इट्स माय लास्ट विश। किसने बोला कि तुम मरने वाली हो? आप अमर हो क्या? आप भी मरोगे। कोई हमेशा के लिए नहीं जीता, समझे? ये वेनिस है क्या? डैडी। हाँ सर। मेरी जान खा रखी वेनिस के लेकर। आप मुझे वहां लेके नहीं जाते? ले जाऊंगा ना मेरी बिटिया। तुमने बताया था तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो ना? जी सर। YouTube पर इट्स माई लाइफ बॉस नाम का एक चैनल है, ट्रेस कर सकते हो कौन चला रहा है उसे? सर अगर जेन्युइन आईपी एड्रेस हुआ तो ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन YouTube एक पब्लिक डोमेन है इसलिए ये मुश्किल है। वैसे आप जानना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, बस यही जानना चाहता हूँ कि इसे चला कौन रहा है, उसे पकड़ने के ऑर्डर्स हैं। क्या मैं तुम्हें देख सकता हूं? नो। मिस्टर अनिल शर्मा? या। आप काम क्या करते हैं? बिजनेस। और बताइए। मैं मरना चाहता हूं। आप कब मरना चाहते हैं? कल। कहां पर? यहाँ कोई नहीं आएगा, मैंने दो दिन पहले सब कुछ चेक कर लिया है। आप कैसे मरने वाले हैं? मेरे माँ बाप ने जब मेरी शादी की तब मैं कॉलेज में था, उस वक्त मेरा परिवार बहुत ज्यादा तंगी में था। मैं और मेरी पत्नी खुशी खुशी साथ रहे, लेकिन रात दिन मुश्किलों का ही सामना करते रहे। हमने बिजनेस शुरू किया और उसे आगे बढ़ाया, करोड़ों कमाए। मेरी एक बेटी भी है, 10th क्लास में है, पर अब मेरी जिंदगी से सुकून जा चुका है। मेरी जायदाद चली गई, कर्जे में डूबा हुआ, और इसकी वजह मेरा दोस्त है। भरोसा जीत कर धोखा दिया उसने, उसने मेरी जायदाद हड़प ली, मेरी पत्नी के साथ नाजायज संबंध बनाए। मैंने दोनों को समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, किसी से यह सब कहना पाने की वजह से अपने अंदर ही दबा लिया। मुझे याद नहीं कि मैं कितनी बार रोया हूं। कभी कभी तो वो उसके साथ ही रहती है, घर भी वापस नहीं आती। पहले मेरी बेटी पूछती थी, पिताजी माँ कहाँ है? अब तो उसने भी पूछना छोड़ दिया।
जब उसने मुझे मेरी बेबसी में तड़पते हुए देखा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। अब तो मैं हर रोज घुट घुट कर जी रहा हूँ। मर जाऊंगा तो कम से कम एक बार में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं जीना नहीं चाहता। एवरी डे इज अ लिविंग हेल। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ लाइफ। मेरा वीडियो बनाने के लिए शुक्रिया। रेडी। ये क्या कर रहा हूं मैं? मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया। मैं क्यों मरूं? अगर मुझे कोई धोखा देगा तो मैं अपनी जान लूंगा क्या? Why should I die? मुझे मरना नहीं चाहिए, मुझे जीना होगा। I want to live. I don't want to die. I don't want to die. मुझे जीना होगा। मैं अपनी बेटी के लिए जीना चाहता हूँ। मैं नहीं मरना चाहता। No, मुझे जीना होगा। मेरी बेटी के लिए मुझे जीना होगा। मैं मरना नहीं चाहता। मैं जीना चाहता हूँ। नहीं, नहीं मैं जीना चाहता हूँ। मैं जीना चाहता हूँ। मैं जीना चाहता हूँ। अपनी बेटी के लिए जीना चाहता हूँ। अपने आप गिरा है, किसी ने धक्का मारा? पता नहीं सर। सर ये सुसाइड का एक्सीडेंट है सर। तुम्हें कैसे पता? ये यूट्यूब पर पहले से ही है सर। अपलोड कब हुआ वीडियो? 2 घंटे पहले हुआ सर। देखा? तुम्हारे स्कूल का नाम क्या? मैं स्कूल नहीं जाती। और क्या पढ़ाते हैं वहाँ? यहाँ सुनो, मेरे सामने से घूरना है तो घूरो, पर मुझे बिजी रखने की एक्टिंग मत करो। मैं तुमसे नहीं जीत सकता। प्यार करते हो क्या उससे? दीदी भी करती आपसे? नहीं अभी नहीं। क्या नाम है दीदी का? पता नहीं यार। उनका नाम भी नहीं पता और बोलते हो प्यार करते हो। दीदी आपका नाम क्या है? क्या नाम क्या है? क्यों बताओ ना दीदी। मीनाक्षी। मीनाक्षी नाम है। दीदी जीजू का नाम है अभी। अरे यार इस लड़की का क्या करूं। हाय हैप्पी बर्थडे या नो एक्चुअली आई एम कमिंग नेक्स्ट वीक चाइना टू वेनिस। या विल टॉक देयर। या डील इज कंफर्म। ओके ओके बाय सी यू। हाय हे व्हाट अ सरप्राइज। जल्दी से झपकी दे दो, कोई नहीं देख रहा है। एक अर्जेंट मेल किया है मैंने आपको, प्लीज चेक करो ना। एनीथिंग स्पेशल? चेक तो करो। वन सेकेंड ना। फ्लाइट में कार्तिक। हे लग रहा है हम साथ में सो रहे हैं। हाँ ये फ्लाइट की है। नाइस पिक्स। हाँ गिव मनी यार। एडवांस में दे दूँ? हाँ कितने दूँ? 20 लाख। 20 लाख चाहिए? हाँ इतने पैसों को क्या करोगी? अबे भूतनी के। हा? पैसे का क्या करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। तू पैसे निकाल वरना तेरी इज्जत उतारने के लिए फोटो किसे और कहाँ भेजनी है ये मैं जानती हूँ। blackmail.com मेरी पत्नी को भेजोगी? उसे टीवी स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर में भी फर्क नहीं पता। तुम्हें गोरेगांव पता है? ऑफ कोर्स। अंधेरी के बहुत पास है। टूरिंग पैकेज नॉट मल्टीप्लेक्स। पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैं ये सब तेरी बीवी को नहीं भेजूंगी बेवकूफ। तो फिर मीडिया को। मार्केट में कम से कम 20 चैनल्स हैं। तेरे नाम पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। बस एक कंप्लेन भी कर दी ना कि तूने मेरे साथ चीटिंग की है तो महिला मंडल वाले तेरा सिर फोड़ के जुलूस निकालेंगे।
एक मासूम लड़की की इज्जत के साथ खेलने की हिम्मत कैसे हुई? बाहर आ, बाहर आ, मुझे सबक सिखाते हो। अगर डायना डी क्रूज को इंसाफ नहीं मिला तो उसके कपड़े उतार के हम उसे बीच सड़क पे मारेंगे। मारेंगे, मारेंगे नहीं। एक मासूम लड़की को नौकरी का झांसा देकर उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया। देखते हैं ब्रेक के बाद। ये मासूम है क्या? क्या है बे, आवाज अलग से बाहर नहीं आ रही क्या? कैश लोगी या चेक? हे, जैसे तुम्हारी मर्जी जान। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो तुम्हारे लिए आसान हो वैसा करना, ठीक है ना? ओके, गुड बॉय। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा हूँ? छोटी सी बात के लिए तूने मेरे बेटे को मारा और फिर किसी ने मेरे बेटे को जान से मार दिया। अब तक खूनी को ढूंढा क्यों नहीं? कोशिश कर रहे हैं। तू बस यहाँ बैठ के कुर्सी गरम कर रहा है। तू अपनी जबान पे लगाम दे। अबे ओए, अपनी जबान पे लगाम क्यों दूँ? मेरा बेटा मरा है। पुलिस से बात करने में जबान पे लगाम होनी चाहिए। तो दिन में मुझे मेरे बेटे का कातिल चाहिए, समझ ले, नहीं तो एक एक करके सभी को इसी पुलिस स्टेशन में कड़वा दूंगा मैं। तेरे बेटे का कातिल मिलेगा तो थैंक्स बोलूंगा उसे। अपने बेटे के साथ तू भी मर गया होता तो अच्छा होता। hey! उठा के बाहर फेंक दो इन सबको। hey! hey! निकल जाए यहां से वरना यही ठोक दूंगा। हो गया। छोटी बच्ची का फोटो क्यों भेजा? ए, तुझे उसे क्या लेना देना? तूने उसे मारा या नहीं? ये ऑर्डर किसने दिया था? ऑर्डर किसने दिया और किसने नहीं दिया ये जानना तेरा काम नहीं है। वो कौन है तुझे नहीं बताऊंगा, तू कौन है उनको नहीं बताऊंगा। मारा या नहीं? उसे मारने का पैसा किसने दिया? छोटी बच्ची को मारेगा तू? नहीं बताऊंगा। बता या नहीं? मोहनदास। लेकिन क्यों? उसने मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने पीटा, तो मैं चाहता हूं कि उसकी बेटी भी उसकी आंखों के सामने मर जाए। Hey, so-
कौन है? इसने मेरे सारे लड़कों को मार दिया। तू कौन है बे? एक छोटी बच्ची ने तेरी सुपारी दी है। कौन सी बच्ची? सर, सिरी को लेकर बाहर गए थे क्या? हाँ, बस चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल गए थे। कुछ टेस्ट करवाया उन्होंने, रिजल्ट्स कल आ जाएंगे। इसे चॉकलेट खानी थी तो मैं बाहर ले गया। आप प्लीज इसके साथ बाहर मत जाइए सर। क्यों? मैं इसे ले जाया करूंगा। ओके। लाइफ का मतलब है पेन। पेन के बिना लाइफ नहीं है। नो पेन नो गेन। इस पेन में लिया गया गलत फैसला है आत्महत्या। आत्महत्या को वीडियो में कैद करना इंसान की सिर्फ एक सोच है। किसी ने ऐसा सोचा, ये सही है या गलत, लीगल है या इलीगल, ये बात की बात है। जो लोग सुसाइड का वीडियो बनाते हैं उनकी मानसिक स्थिति कैसी होती है? हमारे जैसी ही। हम में और उनमें कोई खास फर्क नहीं होगा। सिर्फ इंसान ही है जो ऐसा सोच सकता है। अगर इतना रिस्क लेकर वो ऐसा कर रहे हैं, मतलब इसके पीछे कोई वजह होगी। क्या वजह होगी सर? कोई भी देखेगा तो यही सोचेगा कि छोटी छोटी बातों की वजह से आत्महत्या करना ठीक है। देखो, ये तुम्हारे लिए छोटी बातें हो सकती हैं। हम सोचते रहेंगे कि इतनी छोटी सी बात के लिए किसी ने आत्महत्या कैसे कर ली, पर वो नहीं सोचते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने पेट्स के मरने पर हार्ट अटैक से मर गए हैं। तुम कैसे मरना चाहते हो? मैं अपने आप को खंजर मारने वाला हूं। Can I start? Yeah. एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली थी। बचपन से ही मुझे गन शूटिंग बहुत पसंद थी। मेरे बाबा बैंक में सिक्योरिटी गार्ड थे। उनके हाथ में डबल बैरल गन देखकर मेरा प्यार जुनून में बदल गया। पढ़ाई के साथ साथ राइफल क्लब में मैंने राइफल चलाना सीखा। देखते ही देखते मैं इंडिया की तरफ से ओलंपिक्स में सिलेक्ट हुआ।
जब मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था। तब मेरे घर एक आदमी आया। नमस्ते। कौन है ये लोग? तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? आपके बेटे से मिलना चाहता हूं। चलिए उसे फोन लगाइए। पर क्यों? मिनिस्टर का खून जो करना है। मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करेगा। एक आदमी को चलती गाड़ी में गोली मारने का टैलेंट तेरे बेटे में है। मेरे बेटे को इन सब चीजों में मत घसी तो प्लीज। सर, सर इसे कुछ मत करना सर। मेरे पास टाइम नहीं है। एक दिन में तेरा बेटा यहाँ होना चाहिए। अगले दिन वो मिनिस्टर को ठोकेगा। मेरे पास और भी टेंशन है। शाम को मैं फिर से इधर वापस आऊंगा। तब तक उसको वापस बुलाने का। मेरे माँ बाप को समझ में नहीं आया वो क्या करें। उसने 3 बार घर आकर उन्हें धमकाया। बाबा ने मुझे फोन पर सब कुछ बताया। बाबा अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाकर उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाइए। बेटा मुझे डर लग रहा है कहीं वो तुझे कुछ कर ना दें। बाबा मैं बोल रहा हूँ ना, प्लीज पुलिस के पास जाइए। आपको उसका नाम याद है? मैं पुलिस से बात करता हूँ। बाबा क्या आप उसे जानते हैं? हाँ जानता हूँ। कौन है वो? बाबा ये ले, तू ही बता उसे, बोल उसे यहाँ है। बेटा, बेटा तू यहाँ पर मत आना, वरना ये लोग तुझे भी मार देंगे। इन्होंने तेरे पापा को मार दिया बेटा। तू यहाँ मत आना बेटा। जय माता दी। मत आना बेटा। उस दिन मेरे बाबा मर गए और माँ कोमा में चली गई। मेरी माँ 3 साल तक कोमा में रही। उन्हें जिंदा रखने के लिए मैंने लाखों रुपए लगा दिए, पर मुझे सिर्फ एक ही चीज आती थी, शूटिंग। तो मैंने उसी को अपना प्रोफेशन बना लिया। मैं नहीं जानता मेरे माँ और बाबा को किसने मारा, तो मैंने इस शहर के हर एक गैंगस्टर को टारगेट किया। बहुत से अमीर लोग हैं जो किसी को मारना चाहते हैं पर खुद नहीं मार सकते। मैंने उन लोगों के लिए काम किया। एक मीडिएटर मुझे काम देता था और वो पैसे मैंने माँ के इलाज में लगा दिए। लेकिन 2 दिन पहले मेरी माँ चल बसी। बाबा भी नहीं है। मैं लोगों को मार कर जी रहा हूं। My life.
साइड करने से रोकने नहीं आई हूँ और ना ही हॉस्पिटल ले जाने आई हूँ। ये मेरा काम नहीं है, ओके? देखो, बहुत, बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। अगर तुम भाग सकते हो तो यहाँ से भागो। एम्बुलेंस को कॉल करना है तो वो भी करो। Do whatever you want। ऐसा सोचो कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी मदद करो। तुम रो रही हो पर मेरी मदद नहीं कर रही हो। मैं मेरी मदद करो प्लीज। जी, ये मार्केट में लेटेस्ट वर्जन है मैडम। क्या हुआ, नया कैमरा ले रही हो मेरे जैसे पागलों को शूट करने के लिए? कैसी हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। मुझे बेवकूफ बनाने का कोई फायदा नहीं, मुझे बात करनी है तुमसे। तुमने सोचा मैं बचूंगा नहीं? हाँ हाँ, जाओ जाओ, देखता हूँ कहाँ तक भागोगी। तुमसे तो बेहतर शैतान है। तुमने मुझे वहां मरने के लिए छोड़ दिया था। भगवान का शुक्र है कि कोई वहां आया और मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अगर मैं मर जाता तो किसे फर्क पड़ता है? मैंने कहा था तुम्हें आत्महत्या करने के लिए। इट्स योर डिसीजन। क्या चाहिए तुम्हें? मैं सचमुच उस दिन मरना चाहता था, पर तुम्हारा चेहरा देखने के बाद लगा कि इसके लिए क्यों ना जिया जाए। तो तुम्हें मैं आज बता रहा हूँ, काफी वक्त से तुमसे प्यार करता हूँ। फैंटास्टिक। और कुछ? अगर हाँ कहो तो तुमसे शादी करनी है। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। अच्छा, इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है, बस हाँ बोलो। अब तुम बाहर निकलोगे, मुझे सोना है। सोना तो मैं भी चाहता हूँ ना, पर तुम अकेली सोना चाहती हो? I love you. रत्ना, जिस पर कई संगीन अपराधों का इल्जाम है, 2 साल बाद जमानत पर रिहा। एक ही फटके में बेहोश हो गया। अब बेहोश क्यों नहीं हुआ? हराम साथे, काम जो साला, सर फाड़ दिया फिर भी बेहोश नहीं हुआ। या तो मेरे हाथ में ताकत नहीं है,
या वो कुत्ता ज्यादा खूंखार है? तू क्या कर रहा था? मैं भी बेहोश हो गया था बॉस। अगर दो फटके में बेहोश हो गए तो मेरी गैंग में क्या जरूरत है तुम्हें? निकलो, सबके सब निकलो यहां से। मैं खुद ही अपने जख्मों को चढ़ लूंगा। जब मर्जी किसी भी लड़की का रेप करने वाला मेरा भाई नहीं रहा, अगर मैं किसी अपने दुश्मन को टपका दूं तो मेरी खुशी में शरीक होने वाला मेरा बाप नहीं रहा, ना मेरी मां रही। बस मैं अकेला बचा हूं। हेलो, तेरे लिए एक काम है। मुझे नहीं करना। क्या? मैंने वो सब छोड़ दिया है। बहुत पैसा दिलवाऊंगा। अबे नहीं चाहिए तेरा पैसा, मैं तंग आ गया हूं ऐसी लाइफ से। फिर से मुझे फोन मत करना। तुम सो जाओ सिरी, अब जीना है तो तुम्हारे लिए और तुम्हारी दीदी के लिए। दीदी बहुत अच्छी है। इतनी भी अच्छी नहीं है, दिखती अच्छी है पर है शैतान। मैंने नींद की गोलियों से दो बार कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार मैं फेल नहीं होना चाहती, मैं कल मरना चाहती हूँ। अब और एक भी दिन मैं नहीं जीना चाहती। कीतिका, तुम एक लड़की हो और ये सब काम कर रही हो? यकीन नहीं आ रहा। स्कार्फ हटाओ अपना, स्कार्फ हटाओ अपना। तुम्हें पता है कितने संगीन जुर्म किए तुमने? पता है तुम्हें? मैं यहां किसी को मार नहीं रही। लाइफ के हर पल को लोग वीडियो में कैद करते हैं, पैदा होने से लेकर मरने तक हर एक पल का वीडियो बनाते हैं, और यहां पर मैं किसी की मौत का वीडियो बना रही हूं, तो इसमें गलत क्या है? मुझे अरेस्ट करके टीवी पर दिखाने के लिए मेरा वीडियो नहीं बनेगा क्या? जो आप लोग शूट करेंगे वो सही और जो मैं शूट करूं वो गलत, राइट? आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं पर लोगों को आत्महत्या करने से रोक सकते हैं? मैं वीडियो शूट करती हूँ उन लोगों का जो जिंदगी से हार कर जीना नहीं चाहते। वो मुझसे बात करते हैं, टाइम फिक्स करते हैं और फिर आत्महत्या करते हैं। How can you stop them? They are very strong-minded. I'm just covering their pain. स्पीच बहुत अच्छा दे रही है, लॉजिक भी अच्छा है तुम्हारा। पुलिस स्टेशन चलकर बात करते हैं। चलो। चल। देखो ये सब वीडियोस बनाना बंद कर दो, पुलिस पकड़ेगी तो जेल हो जाएगी। मैंने अपना काम छोड़ दिया है, तुम भी छोड़ दो। शादी करके खुशी से रहते हैं। मुझे घर जाना है। अरे कैसे जाएगी? पुलिस जानती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा घर अब तक सील हो गया होगा, तुम्हारे पास मेरे सिवाय कोई और चारा नहीं है।
ए, कितनी बार बोले मुझे फोन मत किया कर। मैं पहले ही उनको जबान दे चुका हूँ, एडवांस भी ले चुका हूँ उनसे। अगर मुझे दोबारा फोन किया ना तो अगली गोली मैं तुझे मारूंगा। जैसा मैंने कहा है वैसा नहीं किया तो मुझे तेरे बारे में रत्ना को बताना पड़ेगा। कौन है वो लड़की? लड़की नहीं है, आदमी है। जिसे जाकर बोलना है बोल दे, अगर तूने फिर से फोन किया ना तो फोड़ दूंगा। रत्ना, तेरे बाप और तेरे भाई को जिसने मारा है उसके बारे में बताने के लिए मैंने तुझे फोन किया। उसका नाम अभी है, उसने तेरी फैमिली को टारगेट किया और मार दिया। तू कौन? उससे तेरा मतलब नहीं है। इतने दिनों तक सीक्रेट सुसाइड वेबसाइट चलाने वाली लड़की मीनाक्षी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भागने में कामयाब रही। आखिर उसका मकसद क्या है सर? उसके मकसद से हमें कोई मतलब नहीं, जो उसने किया वो क्राइम है और बहुत जल्दी वो हमारी गिरफ्त में होगी। लोग कहते हैं लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं, तुम इतनी टफ कैसे? डरवर नहीं लगता कभी कुछ हो जाएगा तो? हाँ, मैं मरते मरते कह रहा था हॉस्पिटल लेकर जाओ पर लेकर नहीं गई। क्या लड़की, ये लो खाओ। उपमा खा लोगी या मैडम को कुछ और चाहिए? तुम्हें क्या लगता है अचानक से वो एम्बुलेंस कहाँ से आ गई? तुम बहुत देर तक मरे नहीं तो मैंने ही कॉल किया था। इसका मतलब तुम्ही ने मेरी जान बचाई। सुनो ना, मेरी जान बचा लिया, मुझसे प्यार भी कर लो। हमारी जान खतरे में, तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी है और मेरे पीछे ये गुंडे, इसलिए दोनों के लिए अच्छा होगा हम ये देश छोड़कर चले जाएं। मैं नहीं जाऊंगी। मुंह बंद करो और मेरे साथ चलो, वरना यहां बेमौत मारे जाएंगे। ये देश छोड़कर निकल जाते हैं सेफ रहेंगे, पर कहां जाएंगे? तुम बताओ। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ 15 दिन ही रहूंगी और उसके बाद मर जाऊंगी। क्या, तुम मर जाओगी? आज से ठीक 16 दिन बाद मैं आत्महत्या करने वाली हूं। दिस इज माई प्लान। पागल हो क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरे साथ रहने के लिए कह रहा हूं तो तुम्हें मरना है? मेरी बात मानो और अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो। 15 दिन बाद मेरी डेडलाइन है, तुम चाहते हो तो मैं रुकूंगी वरना मैं इसी वक्त चली जाऊंगी। इतने लोगों को मारा तब भी इतनी टेंशन नहीं हुई। कहाँ रखा है? पासपोर्ट इसी डायरी में। इसमें? हाँ, यस यस यस। वन सेकंड, खोलो इसे। मिल गया।
is heaven on the earth. You both look so hot together. Only Venice land can bear you. By the way, I'm tour guide. I charge 100 euro per day. I will take care of you both and you both will enjoy. 100 euros तो बहुत ज्यादा है. वैसे भी हमें कोई गाइड नहीं चाहिए. तुम चुप करो. इतनी अच्छी गाइड कहाँ मिलेगी? Go ahead. आने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? Okay. प्रिंसेस डायना, हाँ? हमें एक बढ़िया सा होटल दिखाइए. बॉस, I spoke to these guys here. 3 range rooms available. Level 1, level 2, level 3. आपको जो पसंद आए ले लो. Thanks. चलो. Yeah. Hi. Good morning. Hi. Good morning. Welcome, sir. Can I get a double room, please? Could you show me something reasonable? Yeah, sure. दो रूम चाहिए. What? एक तुम्हारा, एक मेरा. दो रूम चाहिए थे तो यहाँ पर क्यों आ गए? वहीं रह जाते? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना. ओए. होटल का किराया मैं भर रहा हूँ. पैसे मेरे हैं. तुम मेरी बात सुनोगी, समझे? Excuse me, we need passports. Sure, sir. बैग कहाँ चले गए? मेरा भी बैग नहीं है यहाँ. डायना? डायना? तुम वहां देखो. उसने चुराया है ना? सब चला गया. तुम्हारा बैग, मेरा बैग, हमारे पासपोर्ट्स, सब चला गया. लड़की है, सोचकर तरस खाया था ना, तो कैसे जिएगी, कैसे जीती है? अब बैठकर सोचो उसके बारे में. मुझे तो पहले से उस लड़की पर डाउट था, समझे? मेरी क्लास बाद में लेना, पहले उसे ढूंढते हैं. चलो. हे भगवान, तू ऐसी लड़कियां बनाता है क्यों है? हर वक्त मुझे मुसीबत में डाल देती है. काश थोड़े बहुत पैसे मैं जेब में रख लेता, उतने तो बच जाते. मुझे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए भी पैसे नहीं है. अरे डायना, अब तुम कहां जा रही हो? बताओ तो. पैसे मेरे हैं तो मेरी बात सुनोगे? बहुत अकड़ रहे थे ना? तुम सारे मर्द इसलिए करते हो क्योंकि तुम कमाते हो, है ना? ओए, बोलती क्यों बंद हो गई? बोलो. मुझे पैसे मांगना नहीं आता, ये टैलेंट सिर्फ तुम में है. क्यों गालियां दे रही हो मुझे? मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है? क्या फायदा होगा इतना चिल्ला के? जैसी तुम्हारी मर्जी, गालियां भी अच्छी लगती हैं. डायन कहेगी, वो रही. से मिलानो. ओके बॉस, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड. एक्चुअली मैं पहले तुम्हारा बैग चुरा कर लेकर गई, फिर मैंने देखा कि उसमें तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, और इस प्यारी सी लड़की का बैग रोड पर ऐसे पड़ा रहे तो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था. मैं वापस देने आ ही रही थी. फालतू के नाटक करना बंद कर, बैग दे. ट्रस्ट मी मिलानो, ट्रस्ट मी, सीरियसली, हियर आर योर बैग्स, दिस इज योर बैग, हैप्पी? हां, मैं अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ आने वाले लोगों को लूटती हूँ. मेरी लाइफ मुझे ऐसी ही पसंद है. कुछ भी करो, बस खुश रहो. तुम्हारे बैग भी तुम्हें दे दिए, मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है. अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम मुझे खिलाना, मैं तुम्हें घुमाऊंगी. हाँ, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ए, पीछा क्यों कर रही है? चल निकल. तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत गुस्से वाला है क्या? ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है. तो ब्रदर है क्या? हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है. हाँ, एक्सक्यूज मी, होल्ड, बॉयफ्रेंड, ब्रदर? नहीं. तो इसके साथ कर क्या रही हो? मजबूरी का साथ है हमारा. मजबूरी का साथ तुम्हें प्रेग्नेंट कर सकता है मेरी बहन. प्रेग्नेंट मत हो जाना. है, क्या बकवास कर रही है ये? ओके, मिलानो, तुम दोनों के बीच कोई गड़बड़ है क्या? मैं इससे प्यार करता हूँ और ये नहीं करती, यही बात है.
इतनी सी बात, trust me, I'm there to settle everything, Milano. हाँ कर दे सेटल, बेटी हुई तो डायना नाम रखूंगा। शकल को जानी पहचानी, ये वही कुत्ता है काटने वाला। अभी मैं फुल मूड में आ गया हूं। अच्छा है, मेरे साथ गेम खेला इसने, खेलेंगे मैं और तू, खेलेंगे। What's up? ओहो, अब तक नहीं पिघली क्या? वोट का हमेशा वाइट क्यों होता है पता है क्या? उसे ऐसा बनाया जाता है ताकि वो किसी भी चीज में आसानी से मिल जाए और उसे पता भी ना चले। ओए, ऑरेंज जूस पियोगी क्या? क्या? ऑरेंज जूस। या ओके। मिला दे, वोट का अंदर गया तो सब बाहर आ जाएगा। तुम्हारा काम तो हो जाएगा मिलानो। Orange juice is going to work very hard tonight. Best of luck. तुम एकदम superb, superb. तेरा friend अभिमन्यु कहाँ है? मुझे नहीं पता भाई। मुंह खोल भाई। मुंह खोल। मुंह खोल। खोल। मुंह खोल साले। बुलेट्स कहाँ है? खाली कट्टा क्यों दिया साले? बुलेट्स दे, बुलेट्स दे। ये लो भाई। उसने मेरे बाप को क्यों मारा? एक छोटी बच्ची के लिए, उस लड़की को मारने के लिए आपके पिता ने मुझे ऑर्डर दिया था। बहुत खूब। तो आप, तुझे नहीं पता कि वो कहाँ है? नहीं पता भाई, माँ कसम नहीं पता। मेरे भाई को किसने मारा बता? उसी ने। मेरी फैमिली को मारने के लिए उसने किसी से सुपारी ली थी क्या? किससे ली थी? नहीं भाई, बुखार। जय माता दी। मैंने बोला था शहीद हो जाएगा, उसे थोड़ी पता कहां से निकल के किसे फाड़ देगी। यानी इंसान को बहुत संभल कर रहना चाहिए। नजर हटी कि दुर्घटना घटी। चाहे जो भी हो, मीनाक्षी का वीडियो पूरे देश में तहलका मचा रहा है। कुछ कहते हैं कि ये सब गलत है, तो कुछ लोगों का सवाल है कि इसमें गलत क्या है। मेरे पिता ने अपने आप को मार डाला, मीनाक्षी ने उसका वीडियो भी बनाया। वो देखने के बाद हमें समझ में आया हमने उन्हें कितना परेशान किया, तड़पाया, कितनी बेइज्जती की। शर्म आती है खुद पर। बाबा के आखिरी शब्द याद करता हूँ तो रोना आता है। वीडियो देखने के बाद कोई बदले या ना बदले, लेकिन मैं बदल गया हूँ। Oh, so you chose this card. This is a good luck card. It says that your life will shine and you will find a lovely partner for life long. And besides that, you both will live long. Italian ज्योतिष पर भरोसा करते हो? क्यों नहीं? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? You live long कहा। इसका मतलब तुम हम सबसे ज्यादा जीने वाली हो। क्या बकवास है? मैं इस हफ्ते मरने वाली हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्या तुम सच में मर जाओगी? मेरे लिए भी नहीं जियोगी? नहीं। ए, वहीं रुक जा।
तरफ से आएगी। क्या रे, मैं तुझे चलता फिरता पप्पू दिखाई देता हूँ, मुझे ब्लैकमेल करेगी, मुझसे 20 लाख रुपए लूट लिए, क्या कहा था, टीवी चैनल को फोटो भेजेगी तेरी तो। ये क्या कर रहे हो तुम, इतनी जोर से घुमा रहे हो, दर्द हुआ क्या? हाँ, पर तुमसे मार खा के भी मुझे कितना मजा आया पता है। मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, पर ये तो पूछोगी मैंने ये सब क्यों किया आखिर? ऐसा क्यों किया डार्लिंग? मदर को मलेरिया, हाँ? फादर को फलेरिया, हाँ? भाई को डायरिया था। वैसे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन यकीन करने का मन कर रहा है। I love you, dear. ठीक है तो चलो रूम पे चल के डिंग डॉन्ग करते हैं। I can't come now, baby. But why? रूम पर भैया भाभी वेट कर रहे हैं। फैमिली के साथ आई हूँ ना। वैसे अच्छे घरों की लड़कियाँ ऐसे किसी के साथ जाएंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, समझो ना। समझ नहीं आ रहा, तुम जो बोल रही हो वो मानने का मन नहीं कर रहा है। ग्रासिया मिलानो, ग्रासिया, ग्रासिया, ग्रासिया। तूने मुझे पप्पी दिया, पप्पी दिया, पप्पी दिया। नहीं अच्छा लग रहा है। ओवरएक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, हटो। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं नहीं हटूंगा। अभी हटो ना, just stop it। अरे यार हक करने का मन कर रहा है। अभी अभी get off me। अगर मैं तुम्हें किस कर लूंगा तो क्या करोगी? You can't touch me। What's wrong with you? Listen to me। Stop it अभी। क्या मजाक है? Stop it। Stop। Hey, मैंने गुस्से में कुछ कर दिया तो? हाँ? जो करना है करो। I love you बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों नहीं बोलूं? हमारे करीब आने के लिए सारे मर्द किस चीज का सहारा लेते हैं पता है? I love you का। हाँ लेते हैं तो? हट। नहीं बोलना चाहिए। मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम मतलब पूरी की पूरी, तुम्हारा प्यार चाहिए, पर तुम्हारे प्रॉब्लम्स भी, तुम्हारी शॉपिंग, तुम्हारी नफरत, सब कुछ चाहिए। तुम लड़कियां हर बात का बतंगड़ बना देती हो। आई लव यू का मतलब है फुल पैकेज। मैं तुमसे प्यार करता हूं, समझ गई? एमिरेट्स बिजनेस क्लास, वो आ गया है क्या? जरा देखकर तो बता, लड़की भी है क्या साथ? एक लड़की उसके साथ गई है सर। मैं जानता था, हनीमून के लिए गए दोनों। वो तो पता नहीं सर। लड़की का नाम बता। मीनाक्षी। फोटो बता। ये लीजिए। मीनाक्षी, क्या फिगर है यार, 36, 24, 38, अद्भुत है यार। पिछली बार जब वो भाग रही थी तो पीछे से देखा था। अब मैं भी बाहर जाऊंगा, कुत्ते को गोली मारूंगा, मीनू को साथ लाऊंगा, धीरे धीरे भोगूंगा। हे तेरे बिन कहीं लगता ही नहीं दिल, 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 क्या करूं मैं, क्या ना। Hey, what do you want? I like you so much. No, I'm engaged. I said I like you so much. I told you I'm engaged. Leave me. Go. Hey, Milano. Hey. We'll go. What do you like? Whiskey, brandy, gin, wine, beer, tequila? जो भी तुम चाहो। Okay, two. What? Come on. I told you I'm engaged. Go. सब लोग मेरे ही पीछे पड़े हुए। मैं ज़्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ क्या? 10 tequila.
मैं हूँ इसके साथ अकेला। चीयर्स। कहाँ मैं? बेड पर हूँ। मेरे कपड़े कहाँ गए? हो गया है? ये मेरे हाथ को क्या छू रहा है? ये पैंटी है या नाइटी है? कौन है वहां पर? हाय शॉट बॉय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डायना कहाँ है मेरी डायना? She sold you for 1,000 euros. बेच दिया? नहीं, उसने मुझे बेचा क्यों? मुझे घूर क्यों रही हो? मुझे खा जाओगी क्या? मेरे पास पता ना ये क्या कर रही हो? ये तुम क्या कर रही हो? अरे ये फ्रूट को मसल के मेरा जूस निकाल रही। मीनाक्षी यहाँ आओ। मैंने कहा यहाँ आओ। क्या है अभी? स्टॉप इट! क्या कर रहे हो तुम? तुम ही तो हर वक्त बोलती रहती हो ना मुझे मरना है मुझे मरना है, तो अब डर क्यों लग रहा है? धक्का दे रहा हूं तो तुम्हारी बॉडी अंदर क्यों नहीं गिर रही है? हाँ, हमारी बॉडी में इनबिल्ट रिफ्लेक्सेस होते हैं ना मरने के लिए। सपोज एक आदमी ने अपना सिर ट्रेन के नीचे रखा, वो ऐसा खुद ही करता है लेकिन फिर भी उसका दिल धड़कना बंद नहीं होता, आखिरी सांस तक धड़कता है ना? तुम चाहे जितनी मर्जी जितनी बार खुद को मारने की सोचो, तुम्हारा शरीर तुम्हारे दिमाग की नहीं मानेगा। तुम और मुझे सुसाइड का प्रवचन दे रहे हो? तुम हो? हाँ, मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, मैं मौत के मुंह से वापस आया, इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं। उस दिन मैं सच में मरना चाहता था, मेरी कोई चाहत नहीं थी, पर मरने से पहले जब तुम्हारा चेहरा देखा तो जीने की चाहत जाग गई और उसी चाहत ने मुझे वापस खींचा। पर मेरी ऐसी कोई भी चाहत नहीं है। हे भगवान, कैसे समझाऊं इसे? मुझे देखो, मेरे इस चेहरे को देखो, पागलों की तरह प्यार करता हूं तुमसे, मेरे साथ रह। हे, मौत के लिए जितना पागलपन है उसमें से थोड़ा सा मुझे दे दो। शादी कर लो मुझसे, कम से कम 10 साल तो साथ रहो, उसके बाद भी अगर मरने का मन करे तो मुझे बता दो, मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा के तुमसे पीछा छुड़ाऊंगा। धोखेबाज, तूने मुझे नशे में चूर करके उस हिडिंबा को बेच दिया। हे भगवान, उसने मुझे ऐसा पिचकाया, मेरा सारा जूस निकल गया। तू इंडिया वापस आ, मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ, तू देखना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कौन है तुम? फिर यहाँ गई? I like you so much, short guy. Come with me. I'm going to my country. How can you leave me like this? You know? What? I'm pregnant. एक ही बार में? Yeah. Please come. No, I can't be with you. तू छोटा हाथी है. Give me your passport. नहीं. I'm gonna tear it. नहीं. I'm just gonna tear your passport. ये मेरा passport. नहीं. अरे मेरा passport. Let's go, baby. अरे please, इसे बोलो ना, तुम इसे समझाओ। तुम क्या बोलोगे? मैं करूँगा नहीं, मुझे उठा रही है। Only one more day for trial. मेरा सारा जूस निकाल देगी।
मैं यहाँ टूर पर आया हूँ सर। क्या हुआ, किसी को ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं, एक लड़की है, डेंजरस गर्ल, अभी यही देखा था उसे। इंडियन है क्या सर? वैसे आप यहाँ आए कब सर? सर सिरी साथ नहीं आई क्या? सर वो ठीक तो है ना? सोचा था कि उसके अस्थियां बहाने मैं यहां पर आऊंगा। सॉरी सिरी। Today is my last day, Abhi. भेजे में बात नहीं घुस रही है। I love you. तुम्हें मेरे साथ जीना होगा। समझ में आया? मैंने पूछा समझ में आया? अगर मुझे ऐसे फोर्स करोगे तो मैं आज रात को ही मर जाऊंगी। अभी मरूं या कल सुबह तक जिंदा रहूं? से बताऊं, समझ में नहीं आ रहा बे, बहुत कुछ बताना है। तेरा दी एंड कैसे करूंगा मैं, एकदम डिटेल में बताना है तुझे। तुम जाओ यहां से। कहां जाएगी मीनाक्षी? यहां मत रखो, जाओ यहां से। कहां जाएगी मीनाक्षी? मैंने कहा जाओ यहां से। अबे मैं ये रहा हूं। Ah!
मुझे मारा। मैंने कभी सोचा नहीं था तूने इसके लिए मुझे मारा। चलनी कर दिया मेरे दिल को, चलनी कर दिया। मार दे, वैसे भी मैं मरने ही वाली हूँ। क्यों मुझे कंफ्यूज कर रही है? क्यों रे? मुझे मार और अभी को छोड़ दे। कट माय थ्रोट, मार मुझे। छोड़ दे उसे, उसे खबर भी आई तो तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। Shut up. अगर तुझे इसके लिए बलि चढ़ना है तो मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। जय माता दी, जय माता दी। विश्वनाथ, मेरे पिताजी स्कूल हेडमास्टर थे। माँ को तो मैंने बचपन में ही खो दिया था। मेरी बड़ी बहन श्राव्या, हम दोनों जुड़वा थी। दीदी बाबा के साथ रहती थी और मैं एमबीए कर रही थी। मैं चेन्नई में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। राजेश नाम का एक आदमी मेरी बहन का पीछा किया करता था। Hey, what happened to you, huh? वो कहता था कि मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मेरी बहन भी उसे पसंद करने लगी थी। अपने प्यार के बारे में बाबा को बताने में उसे बहुत डर लगता था। इसी बीच उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और वो ज्यादा डर गई। उसने मुझे ये बात बताई और बहुत रोने लगी। You know, आगे। राजेश का अंदर है। हम बस 5 मिनट में निकल रहे हैं। राजेश, हे, इतनी देर कैसे हो गई? दुल्हन का जोड़ा अंदर रखा है, जल्दी से पहन लो, हम अभी शादी कर लेंगे, ओके? मुझे बहुत डर लग रहा है। हे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कम ऑन, लेट्स गो। ड्रेस वहां पर है, जल्दी तैयार हो जाओ, क्विक क्विक, कम ऑन। ओके। क्या देख रहे हो तुम लोग? सब संभाल लोगे ना? सब कुछ प्लान के मुताबिक होना चाहिए, ओके? एंजॉय गाइस। इसी इतना मुद्दा क्यों बना रहे सर? सर, सर इसमें गलत क्या है? उसे पैसे दिए हमने, वो खुद यहाँ आई है। सच बताऊँ तो उसके बाद नहीं उसे भेजा है सर। छोड़ो मुझे, छोड़ो। एक टीचर जिसका काम होता है स्टूडेंट्स को सही राह दिखाना, उसी का अपना बाप उसका दलाल बन गया। ये सब राजेश और उसके दोस्तों ने किया। मीडिया और पुलिस के सपोर्ट के साथ मेरी बहन को एक वेश्या साबित कर दिया और मेरे पापा को उसका दलाल बना दिया। आप जैसे हेडमास्टर को ये सब करना शोभा देता है? कॉर्बिन की सैलरी कम होने की वजह से आपने ऐसा किया क्या? जवाब दीजिए, कितने साल हो गए आपको इस धंधे में? क्या आप सिर्फ अपनी बेटियों के साथ ये बिजनेस करते हैं या आपके पास और भी लड़कियां हैं? जवाब क्यों नहीं देते? और कितनी लड़कियां हैं? Thank you.
मीडिया वालों के गंदे सवालों से पापा परेशान हो गए और उनकी उसी जगह पर मौत हो गई। जाना चाहती थी पर पढ़ने से पहले आत्महत्या करने वालों का दर्द मैं इस दुनिया के सामने लाना चाहती थी। आज ही वो दिन था जब बाबा और मेरी बहन मरे थे। मैं और मेरी बहन इस दुनिया में साथ आए थे। अब मेरी बहन जिंदा नहीं है तो मैं जीकर क्या करूंगी? हॉस्पिटल लेकर चलो। मीनाक्षी मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूं? प्लीज मुझे मर जाने दो। मैं डायना को फोन कर देता हूं, वो एम्बुलेंस लेकर यहां आ जाएगी। नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मुझे भी पता होना चाहिए ना कि तुम मेरे साथ हो। अभी इतने दिनों तक मैं आदमियों से नफरत करती रही, तुम मुझसे इतना प्यार करते थे मैं देख ही नहीं पाई। आई लव यू अभी। शूट किया, मैं आजाद हूं। एक बात बताना भूल गया, जब तुम जेल में थी ना मैंने उस राजेश को
और उसके दोस्तों को उड़ा दिया। वो लोग आखिरी थे, अब मैं रिटायर हो गया, किसी को मारना अच्छी बात नहीं है। हाँ एक और बात, तुम जिस कॉफी शॉप में काम करती थी ना, अब तुम उसकी बॉस हो। मैंने वो खरीद ली। कॉफी पीने चलें?